जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे हरियाली तीज की कथा, जो कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। तो चलिए कथा सुनते हैं। वंदे देव उमापतिम सुर गुरु, वंदे जगत कारिणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशुनापतिम, वंदे सूर्य शशांक वही नयनम, वंदे मुकुंद प्रिय, वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम, वंदे शिव शंकरम, वंदे शिव शंकरम। शिवजी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करवाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था, अन्न जल त्याग दिया था, पत्ते खाए थे, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे थे, तुम्हारे पिता दुखी थे, नारद जी तुम्हारे घर पधारे थे और कहा कि मैं विष्णु के भेजने पर आया हूँ, वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं, आप अपनी राय बताएं। पर्वतराज, हिमालय प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए थे। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी, तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई थी। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने में लग गई। तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इसी बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। मैंने प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए जब गुफा तक पहुँचे तो तुमने उनको बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप करने में बिताया है। आज तप सफल हो गया है, शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हो तो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ में हम दोनों का विवाह हो गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं वनवांछित फल देता हूँ, उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यही त्यौहार मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान, मिठाइयां उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जल व्रत रखती हैं। उसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है। भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। बोले भोलेनाथ की जय।